जहानाबाद सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के द्वारा जहानाबाद डीएम को 104 सैनिटाइजर मशीन दिया गया। सांसद ने कहा कि जहानाबाद में 93 पंचायत हैं, इन सभी पंचायतों में एक एक मशीन सैनिटाइजर की जाएगी। इसके अलावा बची मशीनों को शहर में सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। वहीं जहानाबाद सांसद ने बताया कि जल्द ही सांसद निधि से जहानाबाद सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगने की अनुशंसा हमने कर दी है, जो जल्द ही जहानाबाद सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा। जहानाबाद से पवन के साथ मुशर्रफ पालवी। और हम अपने सांसद निधि से हस्ताक्षर के और जहानाबाद जिला के जितने भी पंचायत हैं, लगभग 93 पंचायत हैं, सभी पंचायत में एक एक मशीन जाएगा और नगर जो है जहानाबाद का उसमें भी जो बचता है उसमें से 6 नगर पंचायत को, नगर परिषद को और मंगलपुर नगर पंचायत को 5, इस तरह से करके हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि उपलब्ध करा दिया जाए। और मेरा उद्देश्य है कि अभी कोरोना के पीरियड में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि गांव के बीच में, गांव के गली में, गांव के मोहल्लों में सैनिटाइज हो। तो ऐसे सरकार के स्तर से तो हर व्यवस्था है और हो रहा, लेकिन हमको कहीं कहीं से कुछ न कुछ शिकायत मिल रहा था, तो इसलिए हमने यह व्यवस्था किया है। और हम चाहते हैं कि हर गांव के हर गली में सैनिटाइजेशन हो और इसकी व्यवस्था जिला के प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। हर ब्लॉक के लोग वीडियो को यह सपोर्ट किया जाएगा, उनके माध्यम से पंचायत के जो देख रेख करने वाले होंगे अब नई व्यवस्था में वो लोग उसका छिड़काव कराएंगे। उसके साथ ही हम सैनिटाइज करने के लिए केमिकल भी उपलब्ध करा दिया है, सैनिटाइज होगा और जो भी और घटेगा अगर केमिकल तो हम उसके लिए भी अभी बात हुआ है डीएम साहब से कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और प्रोसेस करके पंचायतों को उपलब्ध कराएंगे। सर इसके 104 मशीन है जो मतलब आता है 104 मशीन है टोटल। सर इसके अलावा आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी अनुशंसा की थी। हाँ, क्या हुआ उसका और कब तक हो जाएगा? प्लांट के लिए हम अनुशंसा किए थे अपने सांसद निधि से, कि हमारे सांसद निधि से लिख करके भी हमने अपने आमंत्रण से लिख करके भी जिलाधिकारी को दे दिया है कि आप हमारे सांसद निधि से यहाँ प्लांट लगाएं। इसके अलावा भी हम प्रयास किया है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं और उस पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय से भी यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए स्वीकृति मिली है। और इसके अलावा 2 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ के उद्यमी जहानाबाद के वो लोग भी प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। इसलिए हमको नहीं लगता है कि अब ऑक्सीजन की किल्लत अगले आने वाले समस्याओं से जूझने के लिए दिक्कत होगी, नहीं होगी दिक्कत। पूरा प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ उपलब्ध रहेगा, यही नहीं रहेगा, अब जहानाबाद जिला के अगल बगल के जिलों में भी यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, जिससे कि यहाँ के अगल बगल के जिलों के भी जो समस्या है ऑक्सीजन का वो दूर हो। सर